जो हम पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक था रेस्पिरेशन के हवाले से, तो रेस्पिरेशन में हम पिछले कई दिनों से ये पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो व्हेन फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड इन अवर बॉडी इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, तो वो रेस्पिरेशन के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो हमारी प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, इट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जैसे हमारी बॉडी में होते हैं जिसको हम बोलते हैं लंग्स। तो एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है रिगार्डिंग फिश, किनके बारे में? रिगार्डिंग फिश। तो हमारा एक खूबसूरत बच्चा है अजमल नजीर, तो इसने दरिया से एक जिंदा मछली को ये पकड़ ले आया है। सबसे पहले हम आप इसकी में पूरी जब इंट्रोडक्शन हम देंगे, दिस इज अ फिश। क्या है? फिश। ये एक्वेटिक एनिमल्स से बिलोंग करती है। एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, और ये फिश जो होती है, इसकी बॉडी जो होती है, इट इज स्ट्रीम लाइनड। याद रखना, एक क्वीन जो है इसकी बॉडी, हालांकि हमारा टॉपिक दूसरा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता जाऊं, ये स्ट्रीम लाइनड बॉडी है। स्ट्रीम लाइनड का बॉडी होता है बोट शेप्ड बॉडी विच इज पॉइंटेड एट इट्स एंड्स, यहाँ और यहाँ से पॉइंटेड होती है, एंड इट इज बल्ज्ड एट इट्स मिडल। तो यहाँ पर हम इस वक्त इस मछली के बारे में इसका हम डाइसेक्शन भी लेंगे, इसको हम काटेंगे, और मैं आपको इसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। ये मछली जो है, इसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, एस्मोजन चल लंग्स, बोलो इसमें क्या होता है? वेरी गुड। इसके अंदर क्या होते हैं? तो जहां पर हम गिल्स की बात करेंगे, एमिसमोजन चु कुदरतन अफ निजाम अफ थोमुत, यहां से जो मुंह है ओरल कैविटी जो है, यहां से पानी इसके मुंह के अंदर चला जाता है, और फिर जो यहां जो दिस ओपरक्यूलम, इसके नीचे होते हैं इसके गिल्स। क्या होते हैं? यहाँ पर इसके नीचे होते हैं मैश लाइक स्ट्रक्चर, यू किन तो गैर छुना हुर या तो बन हुर छुना हुआ ना, उसी तरीके से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं गिल्स। देखो बेटा क्या होते हैं, दोनों साइड से, यहाँ से भी ओपरक्यूलम के नीचे होते हैं गिल्स। ओके, और बाहर वाली जो बॉडी हम इसका देखेंगे, एमिस फिनस, क्या आसान इतने लोकोमोटरी ऑर्गन्स, या तो हम बाजू से काम लेते हैं या तो टांगों से हम चलते हैं, एमिस मतन फिनस आसान, ये है फिन, ये भी फिन है, ये भी फिन है, एंड दिस इज द फिन। इमन मतन आसान यूजुअली थ्री आर फोर टाइप्स ऑफ फिनस, पेल्विक फिन होती है, पेक्टोरल फिन होती है, डॉर्सल फिन होती है, और कैजुअल फिन होती है। पहले हम इसका जो गिल्स दिखाने के लिए इसका जो ओपरक्यूलम है, ओपरक्यूलम को हम यहां से काटेंगे। इसको जोर से काटने के लिए हमारे पास तेज वाला चाकू भी है। देखो बेटा, सभी बच्चे देखो, यहां से ये जो पार्ट है, जो ये रेड वाला पार्ट होता है, यहां से ये गिल्स होते हैं। ये उचो तो ये लेयर्स मजन, अलग अलग लेयर्स बराबर हुरी पढ़न, अत मन गिल क्लिप्ट आसान, और ये जो यहां से पानी लेता है वो पानी इसके ऊपर से आ जाता है। आपस मजन यूस ऑक्सीजन आसान चु डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन, ये उसी को यहां से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से ये पानी बॉडी की, ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले जाता है, तो इस तरीके से मछली में रेस्पिरेशन हो जाती है। साथ और भी इसका डाइसेक्शन हम काटेंगे, ये एब्डोमिनल कैविटी, और याद थो जो दिस इज द एनल फिन, एनल फिन जहां पर एनल पोर्शन होता है, जहां से ये अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल उसको बाहर छोड़ देती है, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, ये वाला पोर्शन जो है, यहां से हम इसको काटेंगे। इसके अंदर वाले जो पार्ट्स होते हैं, देखो बेटा, इसका जो ये इंटरनल पार्ट है, इंटेस्टाइन्स, ये जो इसके अंदर यहां से हम ये निकाल रहे हैं, ये है आंतों, या तो पन्न इंटेस्टाइन, जितकिन लार्ज इंटेस्टाइन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये है इसके इंटेस्टाइन्स। और यहां से ऊपर वाले साइड में जब हम देखेंगे, यहां से ये इसके बॉडी के जो बाकी पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स, देखो हार्ट, ये है गिल्स यहां से, और ये छोटा वाला जो ये रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये हार्ट है, दिस इज द लिवर। जो सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है जहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दीज आर एयर सैक्स, तो वो जो बराबर इसके फुटबॉल है ना, एम की पॉइंट जिम स्ट्रक्चर, ये एक है और ये दूसरा है,
उसने वना गॉड कितने आपस में अप डाउन हेयर कुन रोजान अब तो इसमें फिनस का भी रोल रहता है और ये जो एयर सैक्स होते हैं ये उसको बोयंसी प्रोवाइड करता है तो ये उसको बैलेंस करने में भी मदद देता है।